झारखंड सरकार ई कल्याण करके एक पोर्टल चालू किया है, और ई कल्याण पोर्टल चालू करने में लोगों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मुहैया कराने का एक पोर्टल है, और उस पोर्टल के माध्यम से अभी प्री मैट्रिक के विद्यार्थियों को वो छात्रवृत्ति का सुविधा प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये पोस्ट मैट्रिक के पोर्टल को अभी तक राज्य सरकार चालू नहीं किया है, और जिसमें कि मैट्रिक से लेकर ऊपर तक के जो बीए हो, इंटर हो, एमए हो, और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ये छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कल्याण सचिव और मुख्य सचिव जी से हम एक ज्ञापन सौंप कर हम आग्रह किए हैं कि झारखंड में प्री मैट्रिक पोर्टल जो आप ई कल्याण के द्वारा चालू किए हैं, तो पोस्ट मैट्रिक के का भी पोर्टल को अब चालू होना चाहिए, ताकि जब सत्र ख़त्म हो जाएगा तो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति लेने और नहीं लेने से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और साथ साथ यहाँ के चाहे इंटर का सत्र भी ख़त्म होने जा रहा है, बीए का सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होता है, 2-2 सेमेस्टर के एवज में उसको छात्रवृत्ति का आवंटन होता है, साथ साथ एमए में 4 सेमेस्टर का है। उसके बाद जो यहाँ के बाहर झारखंड के विद्यार्थी जो बाहर जाते हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग का छात्र हो, मेडिकल का हो, वोकेशनल का हो, नर्सिंग का हो, जो जहाँ पर दूसरे प्रदेश में उसका सत्र रेगुलर है, लेकिन अगर मान लीजिए पोस्ट मैट्रिक ई पोर्टल अगर नहीं चालू हुआ तो लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसका नामांकन नहीं होगा, उसका आवेदन छात्र नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित ही वो छात्रवृत्ति से वंचित होंगे। इसलिए मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह किए हैं कि अविलंब प्री मैट्रिक पोर्टल जो आप चालू किए हैं, उसी तरह पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण पोर्टल अविलंब चालू करिए, ताकि